राज्यसभा में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के ट्वीट पर हंगामा। बैठक में पीएम मोदी ने कहा बिल को पापी चैट कहना संसद का अपमान है। संसद भवन में बीजेपी संसदीय दल की बैठक। पीएम मोदी बीजेपी सांसदों से कहा कि संसद नहीं चलने देना लोकतंत्र का अपमान। बैठक में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, कहा संसद नहीं चलने देना जनता का अपमान है। अच्छे कामों के बाद भी नकारात्मकता फैलाई जा रही है। संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा विपक्ष संसद में चर्चा क्यों नहीं कर रहा, विपक्ष के रवैया बेहद निराशाजनक। संसद में हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही 4 बजे तक के लिए स्थगित की गई। पेगासस मामले में विपक्ष कर रहा है जमकर हंगामा। राज्यसभा में हंगामे की वजह से कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। पेगासस और महंगाई के मुद्दे पर दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का विपक्ष पर हमला, कहा विपक्ष के पास तथ्यों और तर्कों की कंगाली है इसीलिए सदन में हंगामा करते हैं। चाय पार्टी के बाद राहुल गांधी का साइकिल मार्च, राहुल समेत कई विपक्षी नेता साइकिल मार्च में हुए शामिल। साइकिल मार्च से महंगाई, पेगासस जैसे तमाम मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी। अधीर रंजन चौधरी बोले सरकार के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। राहुल गांधी ने चुनावी चाय नाश्ते पर जुटे 14 दलों के नेता वहां पर पहुंचे। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में राहुल गांधी की चाय पार्टी। राहुल की चाय पार्टी में पेगासस कृषि कानूनों पर सरकार को घेरने पर चर्चा हुई। टीएमसी के पर चर्चा हुई। टीएमसी की तरफ से महुआ मोइत्रा हुई शामिल। राहुल गांधी के ब्रेकफास्ट मीटिंग में नहीं पहुंची बीएसपी और आम आदमी पार्टी। राहुल गांधी ने 17 दल के नेताओं को भी दिया धन्यवाद। कृषि कानूनों के खिलाफ अकाली दल के सांसदों का अनोखा प्रदर्शन। संसद भवन के गेट पर पोस्टर लेकर किया प्रदर्शन। हरसिमरत कौर ने सांसदों को गेहूं की बाली देकर जताया विरोध। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी और कांग्रेस सांसद शशि थरूर को दिया बाली। प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला, ट्वीट कर महंगाई और गरीबी के मुद्दे पर संसद में बहस करो का मुद्दा उठाया। अखिलेश यादव ने पेगासस मामले में सरकार को घेरा, ट्वीट कर लिखा सबका विश्वास का नारा देने वाला सब पर कर रहा है शक। दिल्ली में शरद पवार और अमित शाह के बीच मुलाकात। महाराष्ट्र के बाढ़ के हालात समेत कई मुद्दों पर होगी बातचीत। खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू ने हरियाणा सीएम को दी धमकी, 15 अगस्त के दिन तिरंगा नहीं फहराने की दी धमकी। सरकार को गुरपतवंत सिंह पन्नू के नाम से रिकॉर्ड की गई है कॉल में धमकी। रैंडम फोन कॉल से दी गई थी धमकी। गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से पीएम मोदी का संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोदी ने गुजरात के लाभार्थियों से की बात। पीएम मोदी ने लाभार्थियों से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में की चर्चा। कोरोना काल में 80 करोड़ आबादी को फ्री राशन दे रही है मोदी सरकार। पीएम ने कहा दिवाली तक चलेगा अन्न योजना, देश के लोगों को भूखा नहीं सोने देंगे। दुनिया भर में अन्न योजना की तारीफ। पीएम मोदी ने कहा फ्री राशन योजना से 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए, गरीबों को सशक्त करने का काम चल रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा सरकार ने हर प्रोजेक्ट में पैसे बचाए हैं, दिल्ली सरकार घाटे में नहीं चल रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल बोले हम दिल्ली को 21वीं सदी की दिल्ली बनाना चाहते हैं, दिल्ली में राशन कार्ड घर जाकर बनाएंगे। 10वीं के छात्रों का इंतजार कर दूं, सीबीएसई 10वीं के नतीजे घोषित। 99.04% छात्र हुए पास, बोर्ड के नतीजों में लड़कियों ने मारी बाजी। जी हिंदुस्तान से बोले ओपी राजभर हमारी 5 मांगे हैं, अगर बीजेपी हमारी मांगे मान ले तो गठबंधन पर विचार। यूपी के सियासत में बड़ी हलचल, लखनऊ में ओमप्रकाश राजभर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से उन्होंने मुलाकात की है, राजभर के आवास पर हुई मुलाकात। ओपी राजभर और स्वतंत्र देव सिंह के बीच करीब 1 घंटे तक हुई मुलाकात। बैठक में बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह भी रहे मौजूद। मुलाकात पर बोले ओमप्रकाश राजभर दो बड़े नेता व्यक्तिगत मुलाकात भी कर सकते हैं, ये शिष्टाचार मुलाकात थी। राजभर ने कहा जब ममता और सोनिया मिल सकती हैं, मायावती और अखिलेश मिल सकते हैं तो राजनीति में कुछ भी संभव है। यूपी के सीएम योगी का बलरामपुर और गोंडा दौरा, आज विकास कार्यों को लेकर करेंगे मंडलीय समीक्षा बैठक, योजनाओं की परखेंगे जमीनी हकीकत। यूपी चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस पार्टी आज से शुरू करेगी दलित स्वाभिमान यात्रा, दलित वोटर्स को साधने की होगी कोशिश। यूपी के हर जिले में निकलेगी कांग्रेस की दलित स्वाभिमान यात्रा, डीएम को सौंपा जाएगा ज्ञापन। यूपी के फिरोजाबाद जिले का नाम बदलने का प्रस्ताव जिला पंचायत से पास हुआ, शहर का नाम चंद्रनगर करने की सिफारिश। यूपी के हाथरस में बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन, बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र समेत ब्राह्मण नेता हुए शामिल, अलीगढ़ में आज सम्मेलन। यूपी के कासगंज में बीएसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन, बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी पर लगाया ब्राह्मणों को ठगने का आरोप। बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने राम मंदिर निर्माण के लगाए घपले के आरोप, कहा मंदिर निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपए बटोरे गए।
370 हटने के 2 सालों में बदली जम्मू कश्मीर की तस्वीर, कश्मीर में हर तरफ विकास की बया। हिंदुस्तान ने बदलते कश्मीर की तस्वीर दिखाई, युवा कश्मीर में विकास की राह पर चल पड़े। भारत पाकिस्तान एलएसी पर सीजफायर उल्लंघन में कमी आई, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में भी कमी दर्ज की गई है, गृह मंत्रालय ने जानकारी दी। पंजाब के पठानकोट के रंजीत सागर डैम में आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश, दोनों पायलट सुरक्षित, राहत और बचाव कार्य जारी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में एनकाउंटर जारी, एक आतंकी ढेर हुआ, 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा के चंदाजी में आतंकियों से मुठभेड़ जारी, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी की घाटी के टॉप 10 आतंकवादियों की लिस्ट, 7 पुराने और 3 नए आतंकवादियों की लिस्ट नाम में है। ओलंपिक में शामिल खिलाड़ियों को पीएम की ओर से 15 अगस्त का न्योता, लाल किले पर ओलंपिक खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री। टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल मुकाबले में बेल्जियम ने भारत को 5-2 से हराया, अब कांस्य पदक के लिए खेलेगा भारत। ओलंपिक के सेमीफाइनल मुकाबले पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट, कहा जीत और हार जीवन का हिस्सा, टीम ने किया अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा टीम ने किया अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन, नया आत्मविश्वास, नई इंडिया की पहचान, ओलंपिक खिलाड़ियों को मिला 15 अगस्त का न्योता। सेमीफाइनल मुकाबले के बाद पीएम मोदी ने हॉकी टीम के कप्तान से की फोन पर बात, टीम शानदार प्रदर्शन के लिए टीम की सराहना की। बंगाल में वैक्सीनेशन को लेकर भेदभाव, बीजेपी सांसद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की, वैक्सीनेशन के लिए पैसा भी वसूला जा रहा है। देश में कोरोना के मामले में आई कमी, पिछले 24 घंटे में 30,549 लोगों के कोरोना संक्रमित, 422 लोगों की गई जान। पिछले 24 घंटे में 38,887 लोग डिस्चार्ज हुए, देश में एक्टिव केस की संख्या 4,25,195 हुई। देश में वैक्सीनेशन अभियान तेजी से जारी है, अब तक 47,85,000 से ज्यादा लोगों को लगा है कोरोना का टीका। लखनऊ में आज कोरोना के खिलाफ मेगा वैक्सीनेशन अभियान, शहर के 147 केंद्रों पर लगेगा टीका। लखनऊ में 87,000 लोगों को टीकाकरण का लक्ष्य, 78,000 से अधिक लोगों को कोविशील्ड और करीब 8,700 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। लखनऊ में वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने के लिए सरकारी अस्पताल के अलावा बाजारों में भी लगाए गए हैं कैंप। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में लोगों की सुनी शिकायतें, अधिकारियों को लोगों की समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए। सीएम योगी का मिशन रोजगार जारी, लोक भवन में डिप्टी कलेक्टरों को वितरित किए गए नियुक्ति पत्र, कहा अधिकारी समाज की समस्या को सुलझाने का बने माध्यम। मिशन 2022 की तैयारियों में जुटी उत्तराखंड कांग्रेस, ऋषिकेश में आज से शुरू हुआ 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर, चुनावों की रणनीति पर हो रहा है मंथन। यूपी के मुरादाबाद में सामूहिक पलायन के लगे पोस्टर, शिव मंदिर कॉलोनी के लोग सामूहिक पलायन को मजबूर हुए, पीड़ितों ने यूपी सरकार से लगाई मदद की गुहार। यूपी के संभल में बच्चे को डांटने के विवाद में पथराव और मारपीट, 5 लोग भी घायल, पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में नशे का बड़ा जखीरा बरामद हुआ, 2 करोड़ कीमत की अफीम जब्त की गई, पुलिस ने 4 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में 9 साल की बच्ची के साथ रेप के खिलाफ प्रदर्शन, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने किया प्रदर्शन, बैनर पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे। उत्तर प्रदेश के बस्ती में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर हुआ फरार। इंग्लैंड में 50 साल पुराने पावर स्टेशन के टावर को गिराया गया, टावरों के गिरते ही पूरे इलाके में धूम भरा। डायनामाइट की मदद से गिराए गए टावर, पावर स्टेशन के 8 टावरों में से 4 टावरों को ध्वस्त किया गया। हिमाचल प्रदेश के नाहन में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, पहाड़ दरकने की तस्वीरें आई सामने। नाहन में भारी भरकम चट्टाने हाईवे पर गिरे, हाईवे पूरी तरीके से बंद हुआ, आवाजाही पर लगी ब्रेक। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, अगले कुछ दिन भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान के टोंक में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने, एम्बुलेंस में घुसा पानी, एक बच्चे की मौत हुई, पिता पानी में बहा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राजस्थान के बारे में मूसलाधार बारिश में बाढ़ जैसा मंजर, खेत से लेकर सड़क तक सब जगह पानी पानी, आवाजाही पर लगी ब्रेक। राजस्थान के बारा में दुकानों में भी घुसा पानी, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें खरीदने वाले की बढ़ी मुसीबत। बारा में बाढ़ जैसे हालात होने पर लोगों ने सुरक्षित स्थानों का किया रुख, ऊंचे स्थानों पर लोगों ने बनाई अस्थायी ठिकाने। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल में मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा, अटल सागर, मणिखेड़ा और हरसी डैम के खोले गए गेट, कई गांवों में अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश के बाद पटना में गंगा खतरे के निशान से ऊपर, गंगा का जलस्तर बढ़ने से गांधी घाट पानी में डूबा। पटना के कृष्णा घाट पर तेजी से बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर, गंगा के जलस्तर में बढ़ने से प्रशासन अलर्ट।
बिहार के दानापुर में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी, पानी बढ़ने से एक दो दिनों में 5 लाख से की आबादी आ सकती है बाढ़ की चपेट। बिहार के कैमूर में बारिश के बाद उफान पर दुर्गावती नदी, मोहनिया पावर ग्रिड से भरा पानी, नालंदा में पंचाने नदी पर बना तटबंध टूटा। राजस्थान के सीकर में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में इलाके हुए जलमग्न, घरों और दुकानों में भरा पानी, लोगों की बड़ी मुसीबत। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला, आबकारी अधिनियम संशोधन विधेयक को दी गई हरी झंडी। राज्यसभा सांसद रामविचार नेता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया को लिखा लेटर, भूपेश सरकार पर लगाए कोरोना के मामले और मौत के आंकड़े छिपाने के आरोप। मध्य प्रदेश के रीवा में किसानों की समस्याओं को लेकर बीजेपी विधायक का हल्ला बोल, सहकारी केंद्रीय बैंक में धरने पर बैठे प्रदीप पटेल। धान खिलाकर हाथियों का उत्पाद रोकेंगी भूपेश सरकार, 2000 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदी जाएगी बरसी, इस पर बरसी बीजेपी, नेता प्रतिपक्ष ने भी लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में झरने के तेज बहाव में फंसे दो युवक, एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद युवकों को रेस्क्यू किया। राजस्थान के बाड़मेर में चौहटन में हादसा, पानी के टांके में डूबने से माँ बेटे की मौत, बच्चे को बचाने के लिए टांके में माँ ने लगाई छलांग। राजस्थान के उदयपुर में वेकेशन के लिए पहुंचे क्रिकेटर शिखर धवन, दो दिनों से कुंभलगढ़ में रुके थे धवन, मस्ती करते हुए नजर आए शिखर धवन। शरद यादव से मिले लालू यादव, स्वास्थ्य लाभ के बाद सक्रिय हुए आरजेडी सुप्रीमो, सोमवार को मुलायम सिंह यादव से की थी मुलाकात। बिहार यात्रा पर निकले जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, भागलपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, नाराजगी की खबरों को बताया बेबुनियाद। झारखंड के पाकुड़ में 19 बच्चों का हुआ रेस्क्यू, यशवंतपुर एक्सप्रेस में आरपीएफ की टीम ने बच्चों को कराया रिहा, 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में मौलवी पर लगा रेप का आरोप, झाड़फूंक के बहाने महिला के साथ रेप किया गया, पीड़ित के पति ने मौलवी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। मिशन 2022 को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने आज बुलाई अहम बैठक, सरकार के एससी मंत्रियों, विधायकों और नेताओं से दलितों के मुद्दे को लेकर मंथन। पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेंद्र सैनी के खिलाफ विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, आय से अधिक संपत्ति मामले में चंडीगढ़ आवास पर रेड डाली गई। गुजरात के सूरत चिड़ियाघर में दिखा सफेद बाघ का जोड़ा, एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत चिड़ियाघर में लाया गया है सफेद बाघ का जोड़ा। अफगानिस्तान के हेरात में कब्जे की लड़ाई तेज हुई, तालिबान के खिलाफ अफगान सेना ने छेड़ा अभियान, तकहार में तालिबान और फौज के बीच जंग जारी। अफगानिस्तान के लश्करगाह सिटी में अफगानी फौज पर तालिबान का हमला, अफगान वायुसेना पर एंटी एयरक्राफ्ट गन से की गई फायरिंग। भारत और चीन मसलों को जल्द सुलझाने पर सहमति बनी, कोर कमांडर बातचीत पर साझा बयान, कहा एलएसी पर स्थिरता के सारे प्रयास जारी करेंगे। भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत होगी टास्क फोर्स की तैनाती, पूर्वी बेड़े के जंगी जहाज और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और आईएनएस रणविजय होंगे शामिल। मशहूर डांसर शक्ति मोहन ने मुक्ति मोहन के साथ डांस करते वीडियो किया शेयर, फैंस को खूब आ रहा है पसंद, समंदर किनारे बहनों का डांस। रवि दुबे ने मस्ती भरा वीडियो शेयर किया, वीडियो में रवि दुबे के साथ अर्जुन तनेजा, अर्जुन बिजलानी, कृति झा, निया शर्मा समेत ढेर सारे टीवी के सितारे डांस कर रहे हैं।